हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती कि हम कोई साधारण नहीं है, हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर की शक्तियां, ईश्वर के गुण, ईश्वर का ज्ञान हम में भरा हुआ है। जब हम ईश्वर के बच्चे हैं तो ईश्वर का ज्ञान गुण शक्ति हमारे पास नहीं होंगी। जैसे शेर के बच्चे में शेर के सारे गुण होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम में ईश्वर के सारे गुण शक्तियां, उनका ज्ञान हमारे अवचेतन की गहराई में होता है। इसीलिए कहा गया है अवचेतन में सब कुछ होने के कारण ही तो कहा गया है कि सबके अंदर भगवान है। वास्तव में सबके अंदर भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के गुण शक्ति ज्ञान हम सबके अंदर है। यकीन मानिए हम सबके अंदर है, लेकिन वो सुषुप्त है। अगर हम अपने आप को गहराई से स्वीकार नहीं कराएंगे कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, तो वो जागेगा नहीं, वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। हम उदास हैं, परेशान हैं, शक्तियां हैं उनका यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी के पास चश्मे हैं, आंखों पे भी लगे हैं कुछ हो गए तो तब भी भूल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं, आंखों पे चश्मे नहीं है, यहाँ लगा लेते हैं सर के ऊपर और पूरे घर में ढूंढते रहते हैं मेरे चश्मे का है, मेरे चश्मे, चश्मे, चश्मे देखे आपने आपके ऊपर ही तो। अरे भाई होता है कई बार ऐसा, ऐसा होता है ना, होता होता है। तो ऐसा ही हो रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है। जैसे एक बहुत सुंदर, मुझे बड़ी प्यारी लगती है कहानी, और मैंने बचपन में भी सुनी थी और फिर आपके सामने शेयर करता हूं, आपने भी सुनी होगी, लेकिन सुनने से शायद रिकॉल हो जाए और आपको इससे थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिले। कहते हैं ना कि एक बार एक चील का अंडा मुर्गी के अंडे से मिल गया, और जब वो अंडे से बच्चे निकले तो सभी से तो मुर्गी के बच्चे निकले नहीं, एक से चील का बच्चा निकला। लेकिन उसे ये लगता था कि मैं इनका ही भाई हूं और ये मेरी माँ है, मुर्गी मेरी माँ है। वो मुर्गी की तरह ही चलता था, उड़ता था। मुर्गी इतना सा उड़ती थी, वो उतना सा उड़ता था। काफी समय उन्हें ऐसा हो गया करते करते, उसके माइंड की अच्छे से प्रोग्रामिंग थी कि मैं मुर्गी का बच्चा हूं। एक दिन कहते हैं कि चील ऊपर से, चील तो बहुत ऊंचा उड़ती है, तो चील ऊपर से उड़ते हुए उसकी नजर पड़ी नीचे कि कुछ बच्चे टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। इनमें एक बच्चा अलग नजर आता है, ऐसा क्यों? वो थोड़ा नीचे आके देखती है, अरे ये तो चील का बच्चा है, ये तो हमारा बच्चा है, यहाँ क्या कर रहा है? तो कहते हैं कि वो उसे समझाती है, भाई तुम मुर्गे के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, तुम ये क्या इतना सा उड़ते हो गिर जाते हो, इतना सा उड़ते हो गिर जाते हो, तुम चील के बच्चे हो, चील के बच्चे हो। वो नहीं मानता है, तो उसे वो समझाता, वो नहीं मानता है, तो वो क्या करता है, चील उसे जबरदस्ती पकड़ के लेके उड़ जाता है, उड़ के ऊपर से छोड़ देता है। जैसे छोड़ता है तो कुछ देर तो वो ऐसे 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 नीचे गिरता है, लेकिन फिर अपने पंख खोलने लगता है, जैसे खोलता है और उड़ने लगता है। तो उड़ान भरते उसको पता चलता है कि मैं चील हूं, मैं मुर्गे का बच्चा नहीं हूं, मैं चील का बच्चा हूं। आकाश में उड़ते उड़ते चिल्लाता है कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं। अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं। जैसे ईश्वर में ज्ञान, ईश्वर में गुण, ईश्वर में शक्तियां अथाह होती हैं, उन सब के वो सागर हैं, ठीक वैसे ही वो शक्तियां, वो गुण सब कुछ मेरे अवचेतन की गहराई में है, और मैं उन शक्तियों गुण को यूज कर रहा हूं। प्रोग्राम योर माइंड लाइक दिस, एक मिनट में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपने इसे 21 डेज रोज सवेरे 5 मिनट और सोने से पहले 5 मिनट कर लिया, तो यकीनन वो मुर्गे के बच्चे से चील के बच्चे वाली बात हो जाएगी। अपने आप ही माइंड की प्रोग्रामिंग होने लग जाएगी कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मेरे अंदर ईश्वर की अथाह शक्तियां, अथाह गुण हैं। तो आप देखेंगे कि आपका माइंड हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाएगा और आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस होंगे, आपका ब्रेन बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। जब ऐसे बात करेंगे ना कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, ये हूं, वो हूं, ये अच्छी अच्छी बातें जब बोलेंगे, मैं आपको 2-3 एफर्मेशंस बता देता हूं जो बहुत पावरफुल आपके लिए होंगे।
अब तो डाउट नहीं करेंगे ना कहने में कि मैं शांति से भरा हुआ हूं, प्रेम से भरा हुआ हूं, खुशी मेरा नेचर है, प्योरिटी मेरा नेचर है, ज्ञान मुझ में आता है। डाउट तो नहीं करेंगे ना, करेंगे तो नहीं ना, नहीं ना, गुड। क्यों 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 नहीं करेंगे? क्योंकि मैं ईश्वर का बच्चा हूं और जो शक्तियां जो गुण ईश्वर में है वो मुझ में है। लेकिन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बार बार खुद को बताना। तो सवेरे उठिए, उठिए, उठते ही मुस्कुराइए, स्माइल, अनकंडीशनल स्माइल, स्माइल करके बोलिए गुड मॉर्निंग मेरे परमपिता, गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग या ओम शांति नमस्ते, जो बोलना है बोलिए। क्यों बुलवा रहा हूं ये सब चीज आपसे? ताकि पहले ही सेकंड परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, पहले ही सेकंड गॉड से कनेक्ट हो जाए। जैसे आप गॉड से कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, हमारे माइंड में गॉड की शक्तियां प्रवेश करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कनेक्ट हुए गॉड की शक्तियां प्रवेश होनी शुरू हुई और आप देखेंगे हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठने लगेगी। फिर उनसे बात करिए कि आप मेरे परम पिता हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रेम के सागर हैं और मैं आपका बच्चा बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे मन में आप ही की अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं हर पल ये शक्तियां मेरा साथ दे रही हैं। आपका ज्ञान हर पल मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। आपके गुण हर समय हर कार्य में मेरे साथ हैं। देखिए क्या होगा। हम कहते हैं ना, ऐसा क्या करें कि ईश्वर मेरा ये काम कर दे, ऐसे काम करेगा ईश्वर हमारा। यानी ईश्वर के गुण, ईश्वर की शक्तियां, ईश्वर के ज्ञान के आधार पर हमारे सारे काम होने लग जाएंगे। कैसा लगा, है ना? तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने पर जो मैं शुरू में हॉर्मोन्स की बात कर रहा था, तो ये हुआ मन को बहुत अधिक मान देना। और जब मान दिया, आपके मन की फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण हमारे ब्रेन से जो हार्मोन निकलेगा वो है डोपामिन। और डोपामिन क्या करता है? डोपामिन एक तरीके से आप कह सकते हो सीरोटोनिन बनाने का रॉ हार्मोन है। मानो आपको आलू की सब्जी बनानी है, तो आलू की सब्जी के लिए आलू आपको कच्चा पहले चाहिए, फिर आप उसे कटिंग करके बॉइल करेंगे और फिर उसमें नमक मिर्च मसाले डालेंगे और सब्जी बन जाएगी। ठीक वैसे ही जब डोपामिन आपके पास है तो सीरोटोनिन जरूर बनेगा। और सीरोटोनिन क्या होता है? खुशी का हार्मोन होता है। जिसके ब्रेन में डोपामिन इनफ है, सीरोटोनिन जरूर बनेगा और उसका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। बस सीरोटोनिन वो हार्मोन है जो मूड का मैनेजर है। मतलब आपकी खुशी बहुत हाई रहेगी, आप बहुत खुश रहेंगे। एक तो ये, दूसरी बात गलती से भी मत कहना कभी भी। जैसे हम कह देते हैं कई बार, अपने आप को गिरा देते हैं, हम कहते हैं हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रेम के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं और मैं नीच पतित पापी निकृष्ट कामी कपटी हूं। अब हम सोचते हैं कि मैंने ना ईश्वर के सामने ऐसा बोला है ना, बहुत बढ़िया, क्या ईश्वर की प्रशंसा करी, अपने आप को गिरा लिया, ईश्वर बड़े खुश हो रहे होंगे। आपको लगता है कि ईश्वर बहुत खुश होंगे इन बातों से? आपको क्या लगता है, बहुत खुश होते होंगे? आपके कितने बच्चे हैं? दो, राइट? अच्छा, तो दो बच्चे हैं। आपको कोई एक बच्चा आपके पास आके बोले पापा बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं, आप तो महान हैं, चारों तरफ आपके चर्चे हैं और सचमुच आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, गधा हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है करना। तो आप क्या बोलेंगे? बेटा आप मेरे बेटे हो, जब आपके पापा ऐसे हैं तो आप कैसे होंगे? आप प्यार से उसको गोद में उठा लेंगे, कहते हुए कहेंगे ना, कहेंगे ना, है ना? ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि जब मैं प्रेम का सागर हूं, सुख का सागर हूं, शांति का सागर हूं, गुणों का भंडार हूं, तुम मेरे बच्चे नीच पतित पापी नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ये कह के अपने माइंड की हमने प्रोग्रामिंग ऐसे कर ली, कहते गए और सॉरी टू से बनते गए। क्योंकि आप देख लीजिए हर वर्ष हमारे अंदर ये चीज कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है ना? तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। WHO तो ये कहता है कि भारत डिप्रेशन की लिस्ट में सभी देशों में नंबर वन है। बताइए, हम तो अपने देश को किन्हीं और चीजों में नंबर वन बनते देखना चाहते हैं,
लेकिन ये तो नंबर वन डिप्रेशन में, मतलब खुशी का इंडेक्स हमारे देश का विश्व में शायद 115 या 20 पे नंबर पे है, इफ आई एम राइट। लेकिन आप सोच के देखिए, मतलब खुशी इतनी कम है हमारे देश में, लोगों को बताइए। भारत में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है, जो देश पूरे विश्व में आध्यात्मिकता के कारण जाना जाता है, उस पर लोग डिप्रेशन में है। तो ये तो देखा जाए एक तरीके से ईश्वर की भी इंसल्ट हो गई कि हम ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब है हम, और हम डिप्रेशन में हैं। मतलब ये तो सूट नहीं कर रहा है ना, अच्छा नहीं लगता ना सुनने में कि हम डिप्रेशन में हैं। मतलब ठीक नहीं लगा ना सुनने में आपको भी, तो कहीं ना कुछ तो हमसे गड़बड़ हो रही है ना। तो गड़बड़ यही है कि हम ना ईश्वर की तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि वो है भी, हमें ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन अपने आप को ना बहुत डाउन कर लेते हैं। उस कारण माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है, और फिर जैसी प्रोग्रामिंग हो जाती है वैसे ही फिर हम कर्म करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमसे कभी भी ऐसी कोई बात ना निकले जो मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी को डाउन ले जाए, है ना। उसे ऊपर उठाना है, हाई एनर्जी में रहना है हमेशा, कभी नहीं कहना ऐसा, कभी भी गलती से नहीं कहना। तो जैसे हमने कहा था ना शुरू में कि मन की प्रशंसा करेंगे तो डोपामाइन, लेकिन जब ऐसे करते हैं ना यूं हो जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर दिया हमने। तो गलती से नहीं कहना कभी भी, मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं वैसा हूं, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करिए अपने मन से। ईश्वर इसको कहते हैं साइंटिफिक प्रेयर्स, मतलब जो वैज्ञानिकी तौर पर प्रेयर करते हैं, समझ, साइंटिफिक का मतलब होता है समझ के साथ प्रेयर करना, सोच समझ के बातें करना। आपस में भी कैसे बोलते हो भाई, सोच समझ के बातें करनी चाहिए थी आपको, आपको पता नहीं आप किसके सामने बैठे थे, वो मैनेजर हैं, हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कम से कम आपको अपने शब्दों पे तो ध्यान देना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, तो इतनी बड़ी अथॉरिटी से बातें कर रहे हो और ऐसी बातें बोल रहे हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अच्छी अच्छी बातें करिए ना, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो तो खुश होगा, अरे वाह मेरा बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, आई लाइक इट। वो तो बोलेगा, देखना बोलेगा, आपको समझ में आएगा, सुनाई देगा मन में कि जैसे मानो मुझे वो अप्रिशिएट कर रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है। करके देखो, आज सवेरे उठो, ये बातें करो खुद से, हे ईश्वर आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूं, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, आप प्रेम के सागर हैं, मैं प्रेम से भरपूर हूं, आप शांति के सागर हैं, मैं शांति से भरपूर हूं, और हम क्या कहते हैं, आप प्रेम के सागर हैं, मैं आपके बूंद का प्यासा हूं। बताइए, अरे बाप है, डैड है हमारा, पिता है हमारा, और हम कहते हैं कि आप सागर हैं तो मैं बूंद का प्यासा हूं, बूंद का प्यासा, मतलब एक बूंद भी नहीं मिली है मुझे अभी तक। बताइए, तो ये क्या है, बूंद भी नहीं, मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी, प्यार मुझ में है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बूंद का भी प्यासा हूं ना, तो है ही नहीं, तो दू कहां से। ईश्वर कहते हैं जब मैं प्रेम का सागर हूं तो तुम प्रेम से भरपूर हो, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो, परमात्मा के बच्चे हो। आत्मा बनी ही प्यार से है, शांति से है, सुख से है, आनंद से है, उसमें ये भरा पड़ा है, लेकिन हमें इसको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो जब ये करेंगे तो डोपामाइन हाई, खुशी हाई, हंसते रहेंगे पूरे दिन। बताइए इसमें क्या मुश्किल है। और इसके लिए हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, बताओ लोग क्या कहेंगे, बताओ ये तो मेडिटेशन करते हैं, ओ ये तो ओम शांति में जाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ओम शांति में जाना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। मुझे एक बात बताइए आप, कि जब आपको डिप्रेशन होता है पड़ोसी दवाई देगा आपको? जब आप दुखी होते हैं, रोते हैं, झल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, पड़ोसी आपके दुख को खत्म कर सकता है? खत्म कर सकता है तो दुनिया इतनी दुखी क्यों है फिर आज? क्यों भारत डिप्रेशन नंबर वन पहुंच गया? नहीं, जैसे मोबाइल की बैटरी आप उस इलेक्ट्रिसिटी पावर बोर्ड में लगा के चार्ज करते हो ना, ठीक वैसी मन की बैटरी को पावर हाउस परमात्मा ही चार्ज कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी। लेकिन जैसे उस बोर्ड में आप अपने मोबाइल की चार्जिंग लगाते तो हो, अगर आपको लगानी ना आए तो लगा पाओगे? ठीक वैसे ही मन को अगर चार्ज करना है हमें सीखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ता है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क है, एक सेवा है, आप सिर्फ सीखिए, कहीं भी जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए, देखिए जीवन ना बदले तो कहना। मुझे आज भी याद है जिस व्यक्ति ने मुझे ये बताया था,
मैं आज भी मन मन में उसे दिल से शुक्रिया करता हूं, और आप भी जो भी आप में से करेगा खुद ही दिल से शुक्रिया करेगा उस व्यक्ति का जो आपको बताने के निमित्त बना है। देख लेना इसमें कुछ भी, बस एक छोटी सी इस झिझक को निकालिए, लोग क्या कहेंगे, इस झिझक को निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग क्या, कुछ नहीं, वो तो अभी भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मेरा यकीन करिए वो अभी भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। मैं आपको सुनाता हूं, एक बार एक व्यक्ति फलों की मार्केट में फल बेच रहा था, उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तभी एक युगल, एक हस्बैंड वाइफ वहां से निकल के जा रहे थे, तो उस स्त्री ने कहा कि भैया ये आपने क्यों लिखा है यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, यहाँ नहीं बेचोगे तो कहाँ बेचोगे, ये फलों का तो मार्केट है, तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, इसे मिटा दो। तो उनका जी मैडम मिटा देता हूं, उसने यहां मिटा दिया, रह गया ताजे फल बेचे जाते हैं। तभी कोई दूसरा भाई उधर से निकला, ताजे फल बेचे जाते हैं, भैया बासी कौन बेचता है, सड़े हुए बेचोगे क्या, ताजे ही बेचोगे ना, तो ये ताजे क्यों लिखा हुआ है आपने, इसे मिटा दो। उसने मिटा दिया। फिर एक भाई और निकला वहां से, फल बेचे जाते हैं, अरे फलों की मार्केट में फल नहीं बेचोगे तो क्या बेचोगे, फल ही बेचोगे ना, तो फल क्यों लिख रखा है, इसे मिटा दो। रह गया बेचे जाते हैं। एक और निकला वहां से, बेचे जाते हैं, अब मार्केट में बेचेगा नहीं तो क्या करेगा भाई, ये क्यों लिख रखा है बेचे जाते हैं, इसे मिटा दो। जी भाई साहब मिटा दिया, पूरा बोर्ड खाली हो गया उसका लोगों के कहने पर। एक व्यक्ति आके बोलता है, अरे भाई इतना अच्छा बोर्ड लगा, इस पर कुछ लिखता क्यों नहीं है, बताओ। यह है दुनिया, और हम इनके चक्कर में कई बार अपना बहुत बड़ा लॉस करते हैं।